कहानियाँ, रोमांच और रहस्य। अब तुम्हारी बारी। उस ठंडी रात को सुनसान पुल पर अकेले खड़ा समीर नीचे पानी को देख रहा था। रात के 2 बजे से ऊपर का समय था। उसकी कार सड़क के किनारे खड़ी थी और उसका एक दरवाजा अभी तक खुला ही था। वो करीब 1 घंटे से उस पुल पर खड़ा कुछ सोच रहा था। तभी उसने खुद से कहा, इतनी ऊंचाई से नीचे ठंडे पानी में गिरना कैसा लगेगा। वो उस दिन की सभी बातों को याद करने लगा जो उस दिन उसके साथ घटी थी। दिन की शुरुआत किसी भी सामान्य दिन की तरह ही हुई थी। वो सुबह 6 बजे सोकर उठा था और हर दिन की तरह ही सुबह कुछ समय व्यायाम भी किया था। नाश्ता करके वो दफ्तर जाने के लिए तैयार हुआ था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड नेहा को फोन किया था और फिर उसने घर छोड़ दिया था। वो सीधा नेहा को जगाने गया था। वो दफ्तर जाते समय कार सामान्य गति से ही चला रहा था। उस दिन भी सड़क पर अधिक गाड़ियां नहीं थी। वो लगभग 7:45 बजे अपने दफ्तर पहुंच गया था। उस समय तक उसकी टीम का कोई भी सदस्य दफ्तर नहीं पहुंचा था। उसने नेहा को एक बार फिर से फोन किया था सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या वो जाग गई थी या तब भी सो रही थी। उसकी और नेहा की पहली मुलाकात दोनों के एक दोस्त के माध्यम से हुई थी। उस मुलाकात के बाद नेहा और समीर 2 वर्ष तक साथ ही थे। वो नेहा को बहुत प्रेम करता था और उससे विवाह भी करना चाहता था, लेकिन नेहा को अभी कुछ और समय चाहिए था शादी का फैसला करने के लिए। वो अपने करियर पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहती थी। वो ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करना चाहता था, परंतु नेहा के आगे उसकी एक नहीं चली थी। समीर के दोस्त अक्सर उसको कहा करते थे कि नेहा समीर का प्रयोग कर रही थी और उससे महंगे महंगे उपहार प्राप्त कर रही थी, परंतु समीर किसी की भी नहीं सुनता था। उसने नेहा को फ़ोन किया और फ़ोन काफ़ी देर तक बजता ही रहा, परंतु नेहा ने फ़ोन नहीं उठाया। समीर ने सोचा कि शायद वो बाथरूम में होगी। उसने फ़ोन बंद कर दिया और अपने कंप्यूटर पर ईमेल देखने लगा। कुछ देर में समीर का बॉस चौगले दफ्तर के अंदर दाखिल हुआ। वो छोटे कद का करीब 40 बरस का व्यक्ति था। दिखने में तो वो बहुत ही सीधा साधा लगता था, परंतु वो बहुत ही धूर्त था। वो अपने नीचे काम करने वाले लोगों से खूब काम करवाता था, फिर अच्छे काम का श्रेय खुद ही ले लेता था। समीर चौगले की चालों को अच्छे से जानता था और अंदर ही अंदर जलता भुनता रहता था। चौगले अपने सभी काम समीर से करवाता था और उसको छुट्टी के दिन भी कोई ना कोई काम दे ही देता था। 5 साल तक अपने दफ्तर में कठिन परिश्रम करने के बाद भी समीर की प्रगति नहीं हुई थी और उसको उन्नति नहीं दी गई थी। उसकी टीम की ही 2 नई आई लड़कियों को ही पुरस्कृत किया जाता था। सभी जानते थे कि चौगले स्त्रीगामी था, लेकिन किसी में भी चौगले से प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। वो कंपनी में बहुत प्रभाव रखता था। एक सुबह समीर एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन पर काम कर रहा था, तभी चौगले ने उसको तुरंत ही अपने दफ्तर में बुला लिया। चौगले अपने दफ्तर में बैठा समोसा खा रहा था। उसने समीर को बैठने का संकेत किया। चौगले ने समीर से कहा, क्या तुमने हमारे बोर्ड मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन भेज दिया है। समीर ने सर हिलाकर कहा, जी हाँ भेज दिया है। चौगले ने कहा, समीर पिछला साल हमारी कंपनी के लिए बहुत खराब रहा है। हमारा लाभ बहुत नीचे गिर गया है। हमको नए प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे हैं। समीर सोचने लगा कि चौगले उसको वो सब कुछ क्यों कह रहा था। वो असमंजस में था। अचानक चौगले उठकर खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, समीर हमको कभी कभी बहुत ही कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। मुझे तुमको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हम अब तुमको अपनी कंपनी में नहीं रख सकते हैं। चौगले की बात सुनकर समीर के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वो चौगले पर चिल्लाना चाहता था, परंतु वह साहस नहीं कर सका।
उसने सिर्फ इतना ही कहा, लेकिन सिर्फ मुझे ही क्यों? चुगले ने कहा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये निर्णय कंपनी की मैनेजमेंट कमेटी ने लिया है। समीर जानता था कि वो निर्णय सिर्फ चुगले का ही था, पर वह बिना कुछ कहे चुगले के केबिन से बाहर चला गया। अपने केबिन में आकर वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा कि क्या हुआ होगा। वो मान ही नहीं सकता था कि उसको नौकरी से निकाला जा रहा था। उसको लगा कि शायद ये कोई बुरा सपना था। तभी कंपनी के दो गार्ड उसके केबिन में आए और एक ने कहा, सर आपको अपना सामान लेकर तुरंत ही यहाँ से बाहर जाना होगा। दफ्तर के और लोग भी आकर देखने लगे थे कि क्या हो रहा था। समीर तो एकदम घबरा गया था। उसने अपना सामान लिया और तुरंत ही अपने केबिन से बाहर चला गया। बाहर जाते जाते उसने चुगले को उसके केबिन में एक लड़की के साथ देखा। वो लड़की भी उनके दफ्तर में ही काम करती थी। अपनी कार में बैठकर वो बहुत देर तक सोचता रहा कि उसके साथ क्या हो गया था। तभी उसको अपनी गर्लफ्रेंड नेहा की याद आई। वो सोचने लगा कि नौकरी चली गई तो क्या, उसकी प्रेमिका तो उसके साथ ही थी। उसने नेहा से फ़ोन करके पूछा कि वो कहाँ थी। वो बोली कि वो काम में व्यस्त थी और उसको शाम को ही मिलेगी। वो घर आकर तुरंत ही अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर पसर गया। अचानक समीर की सोचों की श्रृंखला टूट गई और वो वर्तमान में आ गया। वो अभी भी पुल पर खड़ा था। उसको याद आया कि शाम को 7 बजे नेहा ने उसको फ़ोन किया था और उसको कहा था कि वो उसके ऑफिस आकर नेहा को अपने साथ कार में ले जाए। उसके ऑफिस से वो एक रेस्टोरेंट में गए थे। खाना खाते खाते उसने हिम्मत करके नेहा को बता दिया था कि उसकी नौकरी छूट गई थी। नेहा तुरंत ही गुस्से में भर गई और उसको ही भला बुरा कहने लगी। वो कहने लगी कि समीर की ही गलती थी, इसीलिए तो उन्होंने उसको नौकरी से निकाला था। तभी अचानक एक और कार पुल पर से गुजरी। समीर फिर से वर्तमान में आ गया। वो मुड़कर अपनी कार की तरफ चलने लगा। कार में बैठकर वो फिर से सोचने लगा। उसकी कार को उसे मोड़ना था घर जाने के लिए। उसको याद आया कि वो तो नेहा के साथ उसके घर की तरफ जा रहा था, जब नेहा ने उसको कहा था कि पुल पर कार रोक दे। पुल पर दोनों समीर और नेहा ही कार से बाहर निकले थे। नेहा ने लाल ड्रेस पहन रखी थी। वो ड्रेस समीर ने ही उसको उपहार में दी थी। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। नेहा पुल पर खड़ी होकर उसको कुछ कहना चाहती थी। नेहा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा था, अब मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं चल सकती, हमको अब एक दूसरे से मिलना छोड़ देना चाहिए। नेहा के मुँह से इतने कठोर शब्द सुनकर समीर तो एकदम भौचक्का ही रह गया था। उसके दिमाग ने तो काम करना ही छोड़ दिया था। तभी पास से गुजरती हुई एक और कार के हार्न की आवाज़ ने उसको फिर से वर्तमान में ला दिया। वो सोचने लगा कि उसको फिर से नेहा के घर जाना चाहिए और उसको फिर से स्वीकारने के लिए विनती करनी चाहिए। जैसे उसने कार का दरवाज़ा बंद किया और कार स्टार्ट की, उसकी नज़र सीट पर पड़े हुए नेहा के हैंडबैग पर पड़ी। वो हैरान हो गया कि नेहा कैसे बिना अपना बैग लिए चली गई थी। नेहा का मोबाइल फ़ोन भी उसके बैग में ही था। अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे एक चीज़ पर पड़ी और वह कार का दरवाज़ा खोलकर तुरंत उस चीज़ की तरफ दौड़ा। जिस जगह वो खड़ा था वहीं सड़क पर नेहा का एक जूता पड़ा था। तभी उसकी यादों की श्रृंखला फिर से शुरू हो गई। जब नेहा ने उसको बोला था कि वो उसको छोड़ रही थी, समीर ने गुस्से से उसको पूछा था कि वो उससे क्यों अलग होना चाहती थी। वो व्यंग करते हुए मुस्कुराकर बोली थी, तुम्हारे पास नौकरी तो है नहीं अब, और अब तुम्हारे पास पैसे भी नहीं होंगे। बिना पैसे के तुम मेरे लिए किसी भी काम के नहीं हो समीर। समीर का दिमाग तो ये सुनकर जैसे फट ही गया था। उसने तुरंत ही नेहा को अपनी बाहों में उठाकर उसको पुल के नीचे नदी में फेंक दिया था। वो जानता था कि नेहा को तैरना नहीं आता था। वो उसको डूबते हुए देखता रहा था। जब वो डूब गई थी उसको बहुत राहत महसूस हुई थी। वो वहीं पर खड़ा खड़ा 1 घंटे तक नीचे पानी को ही देखता रहा था। वो फिर से उसी स्थान पर खड़ा होकर इधर उधर देख रहा था कि
नेहा की कोई और चीज तो वहां छूट तो नहीं गई थी। उसने नेहा का जूता और उसका हैंडबैग भी नीचे नदी में फेंक दिया और अपनी कार की तरफ चल दिया। कार में बैठकर उसने अंदर के आईने में अपने चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर कोई भी पश्चाताप नहीं था। वो जानता था कि जल्दी ही पुलिस उसको खोज निकालेगी और पकड़ लेगी, लेकिन वो जानता था कि वो रात ज़्यादा सोचने की नहीं थी। उसने बदला ले लिया था और वही उसके लिए बड़ी बात थी। उसने कार फिर से स्टार्ट की और सड़क पर दौड़ा दी। कुछ दूर जाने के बाद उसको सहज महसूस होने लगा। उसने एक बार फिर से अपने चेहरे को आईने में देखा और जोर से कहा, अब तुम्हारी बारी है चोगले।